फोन क्यों कर रहा है यार अभी? ये बार बार कैबिन के बाहर क्यों घूम रहे हो? हैं? क्या बात है? अब सर मुझे कुछ पूछना था, पूछूं? हाँ पूछो। अब सर मेरी वाइफ न्यू ईयर के लिए घर पे मेरा इंतजार कर रही है, मैं जाऊं? हाँ जाओ, चले जाओ, काम हो गया है ना पूरा? हाँ सर। तो चले जाओ, हैं? जाओ, खुशियां मनाओ। थैंक यू सर। अरे तुम सब लोग अब तक गए नहीं हो? नहीं सर, वो आप यहाँ बैठे हुए तो हम लोग सोचे कि बाद में चले जाएंगे। अरे न्यू ईयर है, 31 दिसंबर है, जाओ खुशियां मनाओ। वैसे भी बस ये केस के पेपर सारे पढ़ने के बाद मैं भी निकल जाऊंगा। वैसे क्या प्रोग्राम क्या है तुम सबका? मेरा प्रोग्राम तो एकदम फिक्स है, वाइफ के चरणों में। निखिल सर, मैं तो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ क्या सीआईडी ज्वाइन करने के बाद अभी मिल नहीं पाया, इसलिए आज उन्हीं के साथ न्यू ईयर पार्टी करूंगा सर। गुड। और पूर्वी तुम? सर मेरी एक सहेली ने न्यू ईयर की पार्टी रखी, बस वहीं जाऊंगी। वैसे अभी जी तुम तो हमेशा की तरह दया के साथ जाओगे पार्टी करने, हैं? कहां जा रहे हो आज शाम को? सर प्रोग्राम तो हेलो क्या कहां पे? हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ, किसका फोन था? सर हाईवे पेट्रोल पुलिस का फोन था, हाईवे नंबर 35 में एक आदमी के एक्सीडेंट में मौत हो गई है। समझ में नहीं आता लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, 31 दिसंबर की शाम को शराब पीकर गाड़ी क्यों चलाते हैं, खुद भी मरते और दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल देते हैं। सर मगर एक्सीडेंट के केस में उन्होंने हमें क्यों फोन किया? क्योंकि जिस आदमी की मौत हुई है उसने मरने से पहले बताया कि ये एक्सीडेंट नहीं खून है। ये एक्सीडेंट नहीं खून है। निखिल संभालना जरा, उस तरफ न गिर जाए, संभल के दया। दया बॉडी वहां पर है और गाड़ी यहां पर, इतनी दूरी पर, ये तो मुझे खून ही लगता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है दया, एक्सीडेंट नहीं है, वो ऐसे होगा। है ना, देखिए टायर के मार्क्स, ये गाड़ी वहां से ऐसे जोर से फुल स्पीड में आई होगी और स्वर्व होकर ऐसे अंदर गई और वहां जाकर के पलट गई। ये देखिए सर, उसके घुटने बुरी तरह से घायल है सर, ऐसा लगता है गाड़ी सामने से ठोकर मार के गई है। हाँ। तो शायद इसकी हड्डी भी टूटी हुई है बेचारा। सर जेब में इसके कुछ नहीं है सर, सब जेब खाली है और कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है सर। कुछ समझ गए? हाँ सर, शायद खूनी की गाड़ी इस तरफ से आ रही होगी और ये सामने की तरफ से आ रहा था। खूनी ने सामने से इस गाड़ी को उड़ाने की कोशिश की
मगर ये डर के मारे इसने गाड़ी को पूरा घुमा दिया और इस वजह से इसकी गाड़ी वहां खाई में जाके गिर गई। खूनी ने अपने गाड़ी को यहां तक ले आया और यहां पे उसने गाड़ी को घुमा दिया, यहां पे लाके वो खड़े हो गया और इंतजार करता रहा कि वो गाड़ी से बाहर निकलेगा। और जैसे ही वो बाहर निकला उसे सामने से उड़ा दिया। सर, सर इसकी गाड़ी में तो कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? गाड़ी के पेपर्स? सर गाड़ी के पेपर्स भी नहीं, ये इनविटेशन कार्ड मिला है। इस आदमी का नाम अशोक है। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, उसका इनविटेशन कार्ड है। उदय, इस पर इस आदमी का नाम और फोटो भी है। पार्टी है सी ब्लू पैलेस में। सी ब्लू पैलेस पार्टी तो अब भी चल रही होगी। एक एक कदम पर नजर गाड़ के रखना निखिल, एक छोटे से छोटा सुराग भी काफी होता है किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए। कौन अब तक गीला पड़ा है सर? अशोक की लाश तो यहां से काफी दूर पड़ी थी, इतना दूर उसका खून तो नहीं आ सकता। किसी और का खून है फिर? हो सकता है, देखो आसपास कहीं और खून पड़ा है क्या। सर, सर कुछ चमक रहा है सर। नो,
तो मर गया। सर यहाँ पे भी खून लगा हुआ है, इसके साथ कोई और भी था जो जख्मी हुआ है। नहीं निखिल, इसके साथ और कोई नहीं था, ये अकेले था। तो ये खून किसका है सर? यहाँ देखो, ड्राइवर सीट के नीचे यहाँ पे कहीं भी खून नहीं पड़ा, सिर्फ स्टेयरिंग पे लगा है खून। मतलब सर? मतलब ये खूनी ने पहले इस आदमी को सड़क पे रौंद दिया, वहां पर जहाँ पे हमें वो खून पड़ा हुआ मिला। उसके बाद उसने लाश को पैसेंजर सीट पे बिठाया, वो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चलाकर यहाँ तक ले आया। और जाने से पहले उसने इसे ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया ताकि एक्सीडेंट लगे। अगर खूनी ये चाहता था कि एक एक्सीडेंट लगे तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। यहाँ पे गाड़ी पे कहीं भी कोई खरोच के निशान नहीं है। मुझे लगता है उसे लाश को छुपाना चाहता था। सर, हमने सभी मेहमानों से पूछ लिया है, ना तो कोई अशोक को जानता है और ना ही उसको जिसने पार्टी रखी। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि कोई भी मेहमान एक दूसरे को नहीं जानते। एक दूसरे को नहीं जानते? सबके इनविटेशन कार्ड चेक किए? हाँ सर, सबके कार्ड बिल्कुल सादे हैं, किसी पे कोई फोटो नहीं लगी। आदया, क्या और एक लाश कहां पर? उसी हाईवे पर, हाईवे नंबर 35 पर। ओ हाँ, ठीक है, ओके। क्या हुआ सर, एक और लाश? हाँ फ्रेडी, एक और लाश किसी शौमिक नाम के आदमी की, और वो भी उसी हाईवे पर, हाईवे नंबर 35 पर। और तो और उसकी गाड़ी में से भी वैसा ही इनविटेशन कार्ड मिला जैसा अशोक का था, उसकी फोटो के साथ। कमाल है सर, वो दोनों भी इसी न्यू ईयर पार्टी में आए थे और 12 बजने से पहले चले गए, और उन दोनों का खून हो गया। और सर सिर्फ इन्हीं दोनों के पास ये फोटो वाले इनविटेशन कार्ड क्यों थे? क्योंकि फ्रेडी, शायद खूनी सिर्फ इन दोनों को ही मारना चाहता था। म्यूजिक क्यों बंद किया भाई? सॉरी फ्रेंड्स, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब इस पार्टी के होस्ट हम सबके सामने आएंगे। सो प्लीज वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। लेट्स गो। सर अभी तक आया नहीं। अरे क्या हुआ यार, अभी तक कोई आया नहीं? 12 बजे में एक मिनट बाकी है। 12 बजे तक इस पार्टी के होस्ट को आने में थोड़ी देर लग गई है, लेकिन दोस्तों वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, बस सब कुछ ही पलों की ओर देर, और उसके बाद हम 2011 को अलविदा, टाटा, बाय बाय कह देंगे और स्वागत करेंगे 2012 का। 10, 9, 8, 7, 6 सर हम बहुत हैरान है, एक आदमी इतनी बड़ी पार्टी दी और वो पार्टी में नहीं आया, अजीब पागल आदमी। अजीब पागल आदमी कैसे? तुमने तो देखा होगा ना उसे, उसी ने बुकिंग की है। नहीं सर, मैंने भी नहीं देखा। क्या आपने भी नहीं देखा? सर ये है कौन जिसे किसी ने भी नहीं देखा? ये पार्टी का खर्चा कौन कर रहा? सर पैसा उसने हमारे अकाउंट में जमा करा दिया था कैश के जरिए, और कहा था पार्टी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो बिना देखे तुमने पार्टी की बुकिंग करवा ली? सर वैसे हम लेते तो नहीं है, उसने कहा मैं शहर से बाहर हूँ, मैं बुकिंग के लिए नहीं आ सकता। फोन किया था उसने? यस सर। कब किया था फोन? सर 27 दिसंबर को। उस आदमी का नाम पता फोन नंबर वगैरह होगा ना तुम्हारे पास? जी सर। दिखाइए जरा। सर ये उसकी डिटेल्स। बी एन कुमार, 33 सिविल लाइंस,
मोबाइल नंबर 10342-6891 10342-6891। फोन बंद है सर। फोन बंद है सर? मुझे तो लगता है ये नाम, नंबर, एड्रेस सब नकली है। सर उनका फोन आने के 2 घंटे बाद हमने कॉल किया उनको दोबारा इसी नंबर पर बुकिंग कंफर्म करने के लिए, तब तो रिसीव किया उन्होंने फोन। फ्रेडी मोबाइल कंपनी को फोन करो और पता लगाओ ये नंबर है किसका। यस सर। अभी पता चल जाएगा। आ गया। व्हाट? क्या 5 और लाशें? 5? और उन सबके पास इसी पार्टी के इनविटेशन कार्ड्स थे? माय गॉड। वैसे ही दया न जाने और कितनी लाशें मिलने वाली है। कीप ऑन सर्चिंग दया, कीप ऑन सर्चिंग। और हाँ, उन सभी लाशों के फोटोग्राफ्स भेज देना मुझे MMS करके। हाँ सर। 5 लाशें और? इसका मतलब कुल मिलाकर 7 लोगों का खून हो चुका है। हाँ, कुल मिलाकर 7 लोगों का खून हो चुका है, समझे आप? 3 एक्सीडेंट्स, 5 गाड़ियां और 7 लोगों की लाशें, और सभी लाशों के पास तुम्हारे यहाँ पर ये जो पार्टी चल रही है ना, उसी के इनविटेशन कार्ड से, फोटो के साथ। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इस पार्टी के लिए बुकिंग की। बिना देखे, बिना आइडेंटिफिकेशन के पार्टी की बुकिंग करवा दी? हाँ, शायद वो आदमी अभी भी उस पार्टी में होगा मगर सामने नहीं आ रहा है, समझे आप? ये CCTV कैमरा वहां पर है जहां पर पार्टी चल रही है। जी सर। दिखाओ हमें। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो और फिर से प्ले करो। यह है हीरे, उसमें से एक ये भी है। फोन पे बात कर रहा है किसके साथ? बड़ी हड़बड़ाहट में बाहर निकला है सर। पता चल जाएगा, आगे का देखते हैं। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो और प्ले करो। थोड़ा रिवाइंड, ज्यादा नहीं। ये अमोल है, ये भी एक विक्टिम है। सर ये भी फोन पे बात कर रहा था और निकल गया। इसके चेहरे पर भी टेंशन था, लगता है खूनी ने इन सबको एक एक करके किसी बहाने बाहर बुला लिया और मौका मिलते ही इनका खून कर दिया। सही है, होटल शहर से दूर एक सुनसान हाईवे पर है, इसलिए खूनी को अच्छा मौका मिल गया इतने सारे खून करने का। हाँ पूर्वी, अब जरा आगे प्ले करो, देखते बाकी लोगों को भी ऐसा ही फोन आया था क्या। ये प्रवीण था, इसे भी फोन आया और ये भी भाग गया। शौमिक था, ये भी भाग गया वैसे ही। ये तो अशोक है। हाँ अशोक है, इसका मतलब है सबको मरने से पहले फोन आया था। अब तो हमारा काम आसान हो गया सर, हमें सिर्फ इतना पता करना है कि इन 5ों के मोबाइल नंबर क्या है। जैसे ही हमें उस मोबाइल नंबर के बारे में पता चलेगा, हम खूनी को पकड़ लेंगे। हाँ फ्रेडी, बस अभी जितने भी लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों के बारे में पता लगाओ। आज की रात कुछ ठीक नहीं है सर, लाश पर लाश मिल रही है। ये आज की 6ठी गाड़ी है सर। कभी सोचा नहीं था कि नए साल में लाशों से शुरुआत हो। कई सारे लाशें,
शुक्र है कि इस कार में लाश या खून नहीं मिला। सर, कार में तो उस पार्टी का इनविटेशन कार्ड भी नहीं। अच्छा, शायद ये कार ही उन लाशों का राज खोल दे। ये देखो, यहाँ बोनेट पे खून लगा हुआ है। टायर पे भी खून लगा। हो ना हो, ये कार खूनी की है। इसी कार से उन सबका खून किया गया है। सामने का नंबर प्लेट भी नहीं। देखिए, पीछे के नंबर प्लेट भी गायब है। अब तो कोई शक नहीं है कि ये कार उस खूनी की ही है। सर, वो नाम वीएन कुमार जिससे पार्टी की बुकिंग हुई थी, न सिर्फ वो नकली है बल्कि जो एड्रेस लिखवाया गया वो भी बिल्कुल नकली है। सर, नाम और एड्रेस भले ही नकली हो मगर वो मोबाइल फोन नंबर वो तो असली था ना। असली सिर्फ मोबाइल नंबर ही नहीं है सर, दिनेश ने जिस होटल के बैंक अकाउंट में पैसे डलवाए थे वो भी असली थे। सर, कोई इंसान अजनबियों के लिए इतने सारे पैसे क्यों खर्च करेगा, वो भी ऐसी आलिशान पार्टी रखवा के। खून करने वाले लोग संकी होते हैं, अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी साहब, किससे मिलना है आपको? दिनेश से। आप मुझसे मिलने आए हो? तुम दिनेश हो? हाँ, माँ बाप ने बड़े प्यार से हमारा नाम दिनेश रखा है। क्यों, आपको कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ तो अब तुम्हें होने वाली। क्या मतलब? क्या हुआ? मालिक, मालिक ये देखिए, ये मेरा नाम बदलना चाहते हैं। What? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? I'm राकेश, wish you very happy new year। वैसे कैसे आना हुआ? आपके इस नौकर ने कल रात होटल सी ब्लू पैलेस में एक आलिशान पार्टी रखी थी, उसी के सिलसिले में आए हैं हम लोग। What? दिनेश ने होटल सी ब्लू पैलेस में पार्टी रखी थी? Not possible। अच्छा, वैसे ये बताइए कि इस दिनेश की तनख्वाह कितनी है? महीना 5,000 रुपया। ओह, कमाल है। 5,000 रुपया महीना कमाने वाले एक नौकर ने एक ही रात में 50,000 रुपए की पार्टी दे डाली। हाँ, यकीन नहीं होता। क्यों मजाक कर रहे हो साहब? दो वक्त की मुश्किल से कमा पाता हूँ, पार्टी तो दूर की बात है साहब। ये 10342689 तुम्हारा ही नंबर है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? पता है, क्योंकि इसी नंबर से 27 दिसंबर को होटल सी ब्लू पैलेस में फोन किया गया था, न्यू ईयर पार्टी की बुकिंग की गई थी। साहब, 27 दिसंबर को तो मेरा मोबाइल चोरी हुआ था सब्जी मंडी से। देखो, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहां से और उन मासूमों का खून क्यों किया तुम? नहीं साहब, साहब मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। मैं तुम्हारे साहब ने तो नहीं कहा था तुमसे होटल की बुकिंग करवाने के लिए? क्या बात कर रहे सर, जिस दिन उसका मोबाइल चोरी हो उसी शाम को हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर की कॉपी है तुम्हारे पास? हाँ है ना, दिखाइए। वैसे मोबाइल चोरी कैसे हुआ? साहब, मैं तो सब्जी मंडी में आलू और बैंगन छाटने में लग गया था, पता नहीं उस चोर चक के लिए कब हाथ साफ कर लिया। एफआईआर की रिपोर्ट। 27 तारीख को जब ये सब्जी खरीद रहा था मैं कार में इसका वेट कर रहा था। अच्छा, ये बताइए कि मोबाइल कंपनी वालों ने सिम कार्ड डीएक्टिवेट कब किया? उसी शाम जब हमने एफआईआर की कॉपी उन्हें दी थी। ऐसे मतलब खूनी ने इसी मकसद से फोन चुराया कि वो होटल की बुकिंग कर सके। मैं सभी मरने वालों के घर गया था सर, कोई भी विक्टिम दूसरे विक्टिम को जानता ही नहीं। इनके एज ग्रुप अलग है, इनके स्कूल कॉलेजेस अलग है, एक डॉक्टर था दूसरा इंजीनियर था, आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है सर। अभिजीत, कोई ना कोई तो कनेक्शन है इन सब में जो हम देख नहीं पा रहे, कोई ना कोई तो कनेक्शन है और खूनी ने इसीलिए इन सबको निशाना बनाया। दिनेश से मोबाइल फोन चुराया और फिर पार्टी रखी और उस पार्टी में उसने इन सबको बुला लिया और फिर एक एक करके इन सबका काम तमाम कर दिया। सर, निखिल आरटीओ ऑफिस गया है, बहुत जल्द हमें उस कार के मालिक का पता चल जाएगा जिसने शायद ये सारे खून किए हैं। और सर, ये खूनी जरूर उस कार का मालिक ही है, इसीलिए तो भागने से पहले
उसने अपने कार की नंबर प्लेट तक निकाल ली ताकि हम लोग उस तक पहुंच न सके। दीदी, नंबर प्लेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास इंजन ब्लॉक का नंबर और चेसी नंबर है तो पता चल सकता है कि ये गाड़ी है किसकी। सर, पता चला मरने वालों को किस नंबर से फोन आया था? हाँ सर, उन पांचों के पांचों को अलग अलग नंबर से कॉल किया गया था। क्या मतलब पांच अलग अलग सिम इस्तेमाल किया गया? यस सर, सही है। देखिए, हिरेन को कॉल किया गया था 8:13 पे, अमोल को कॉल किया गया था 8:41 पे, प्रवीण को कॉल किया गया था 9:06 पे, शौमिक को कॉल किया गया था 9:32 पे और अशोक को कॉल किया गया था 10:01 पे। वो नंबर कौन से है जिसे कॉल किया गया? सर वहां भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। अमोल को कॉल किया गया हिरेन के मोबाइल से, प्रवीण को कॉल किया गया है अमोल के मोबाइल से, शौमिक को कॉल किया गया है प्रवीण के मोबाइल से और अशोक को कॉल किया गया है शौमिक के मोबाइल से। बड़ा चालाक है ये खूनी, मरने वाले का फोन इस्तेमाल कर रहा है आगे वाले शिकार को बुलाने के लिए। सर लेकिन अशोक को बुलाया शौमिक के मोबाइल से, शौमिक को प्रवीण के मोबाइल से, प्रवीण को अमोल के और अमोल को हिरेन के मोबाइल से, मगर हिरेन को किसके मोबाइल से बुलाया सर? सर हिरेन को किसी जयंत नाम के आदमी के मोबाइल से फोन किया गया था जो हाथी बाबू मार्ग पे रहता है। हाथी बाबू मार्ग, जयंत? सर आरटीओ से उस कार के मालिक का पता चल गया है, वो कार किसी जयंत नाम के आदमी की है। जयंत, हाथी बाबू मार्ग वाला? सर आपको कैसे पता चला? जयंत जैन को बुला। साहब, जैन साहब घर पर नहीं है। घर पे नहीं है तो हम देख लेंगे, ढूंढो जरा। ऊपर कहीं भी नहीं है सर, बेड के नीचे और कबर्ड में भी कोई नहीं है सर, किचन और बाथरूम में भी कोई नहीं है सर। घर में नहीं है तो फिर कहाँ गया है? कहाँ गया है जैन? साहब मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि साहब घर पे है नहीं, लेकिन आप लोग हैं कौन? सीआईडी। जैन कहाँ गया होगा कुछ मालूम है तुम्हें? आप क्या मालूम, वो तो 2 दिन से घर भी नहीं है। शहर में ही है या शहर से बाहर गया? साहब सामान तो उनका यहीं पर पड़ा हुआ है, अगर शहर से बाहर जाते तो सामान भी लेकर जाते ना। 2 दिन से घर नहीं आए और सामान भी नहीं लेके, तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गया है? अभी क्या पता करूँ साहब, वो तो 4-4, 5-5 दिन तो घर नहीं आते और उनका कोई परिवार तो है नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं। सही, इधर उधर घूमते रहते हैं मतलब कुछ काम धंधा तो करते होंगे ना? वो साहब जासूस हैं। जासूस? कई बार तो साहब वो हफ्तों तक अपने ऑफिस में ही रहते हैं। ऑफिस में? और यहाँ पे तो कोई स्टाफ का आदमी दिख नहीं रहा। ये प्राइवेट डिटेक्टिव ज्यादातर अकेले ही काम करते हैं, इनके पेशे में राज को राज रखना बहुत जरूरी होता है। देखो उन 7 लोगों की मौत की वजह शायद हमें यहाँ मिल जाए। ये देखिए सर, वो जो तीसरी लाश हमें मिली थी शौमिक की, इस फाइल में उसकी सारी डिटेल्स हैं। परिवार, दोस्त, नौकरी, जमीन जायदाद, सारी इंफॉर्मेशन इसमें। सर, इस फाइल में हिरेन की सारी इंफॉर्मेशन है। हिरेन वही है ना जिसका फोन सबसे पहले हुआ था? यस सर। पूरी कुंडली निकाल रखी है जयंत ने। ठीक है, हिरेन का बायोडाटा कुछ मिला गया? हाँ सर, ये देखिए हिरेन का बायोडाटा यहाँ पे भी है। इसका नाम, नंबर, इसकी फोटो
और यहाँ तक कि इसके दोस्तों और परिवार वालों के नाम भी है। और तो और ये भी लिखा हुआ है कि वो कौन से स्कूल और कौन से कॉलेज जाता था। अगर मरने वाले सारे लोगों पर ये जैन नजर रखता था तो फिर उसने उनका खून क्यों किया होगा? सर ये भी तो हो सकता है कि ये खून उस इंसान ने किए हैं जिसने जयंत को पैसे दिए थे जासूसी करने के लिए। पर काजल, उस इंसान के पास जयंत का मोबाइल और जयंत की कार कैसे आएगी, और वो सात खून क्यों करेगा? विवेक, शायद वो खून किसी एक आदमी का करना चाहता था, मगर बाकी के छह खून उसने हमें गुमराह करने के लिए क्यों? सर आप ये कह रहे हैं कि सपोजिटली वो सिर्फ हिरेन को मारना चाहता हो, उसने बाकी लोगों का खून इसलिए किया ताकि हमारा शक किसी सीरियल किलर पे जाए। इन खूनियों का दिमाग कैसे टेढ़े ढंग से काम करता है इसका अंदाजा लगा पाना जरा मुश्किल है। सर ये देखिए, इसमें और लोगों का बायोडाटा है, मरने वाले के बायोडाटा के साथ। शौमिक का बायोडाटा, अशोक, अमोल, उन सभी लोगों का बायोडाटा है जिनका कल रात खून हुआ। हाँ सर, सर लगता है जयंत ने जितने भी इन्वेस्टिगेशन किए हैं वो इस फाइल में। सर मुझे तो लगता है ये सातों खून जयंत ने किए। सर किसी क्लाइंट ने उसे मोटी रकम दी होगी और लालच में आकर जासूस जयंत सुपारी किलर जयंत बन गया। सर ढूंढो यहाँ, शायद हमें जयंत की क्लाइंट की लिस्ट मिल जाए। उस लिस्ट से ही पता चलेगा कि वो कौन सा क्लाइंट है जिसने जयंत को पैसे दिए थे इन सात लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए। ओह नो, सचिन, नया साल अपने साथ मौत का आतंक लेके आया। आठवीं लाश, इसके छाती में गोली मारी है, तो लाश पलटो। एग्जिट वन तो नहीं है, गोली अभी भी अंदर है। सर कहीं ये जैन तो नहीं? हाँ सचिन, ये जयंती है। इस शरीर को देख के लगता है कि इसकी मौत 48 घंटे पहले हुई है। जयंत का नौकर भी तो कह रहा था कि जयंत दो दिन से घर नहीं आया। सचिन, अगर ये जयंत दो दिन पहले मरा है तो फिर वो कौन है जिसने सब खून किए? सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, सात में से पांच लोगों के रिकॉर्ड तो जयंत के पास थे, मगर बाकी की दो लाशें उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। सर फ्रेडी, जैसे गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है वैसी हालत इन दोनों की हो गई। खूनी ने देखा कि अगर ये दोनों जिंदा रह गए तो उसका भांडा फोड़ देंगे, इसलिए उनका खात्मा कर दिया उसने। सर जाइए केस देखिए। मोहित, मोहित का बायोडाटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा इन पांचों विक्टिम्स का था, अमोल, प्रवीण, अशोक, हिरेन और शौमिक का। लेकिन फर्क क्या है अभी इन सारे लोगों के बायोडाटा में और इनके? सही है, देखिए ये नितिन का केस है सर। इसकी वाइफ ने इस पर नजर रखने के लिए कहा था। पिछले छह महीने में ये किन किन लड़कियों से मिला सारी डिटेल्स है। ये अमित है, पिछले एक साल में किस किस ऑफिस में गया, कहां कहां पे मीटिंग की, इसकी डिटेल्स है। इसके बिजनेस पार्टनर ने इस पर नजर रखने के लिए कहा था। इनमें और बाकी के केसेस में इन लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जबकि मोहित और ये पांचों विक्टिम्स इनके तो पूरी कुंडली है सर। ये कब पैदा हुए, किस स्कूल में पढ़े, किस कॉलेज में गए, क्या करते हैं, कहां पे रहते हैं, सब कुछ, जन्म से लेके अब तक की सारी डिटेल्स है सर। अब समझ में आया ये क्या चक्कर है। मतलब मोहित का भी खून हो गया? और सर मोहित की लाश तो अब तक मिली नहीं है। उसकी दो वजह हो सकती है, या तो मोहित उस पार्टी में गया ही नहीं, या फिर मोहित खूनी के हाथों से बच निकला। मतलब सर मोहित को खूनी दोबारा जाल में फंसाएगा, मोहित की जान को खतरा है। What? मेरी जान को खतरा है? मैं किससे? जान को खतरा अक्सर किसी दुश्मन से ही होता है। तुम्हारा कोई पुराना दुश्मन? मेरा कोई दुश्मन नहीं। जरा सोच के बताओ, शायद कोई पुराना दुश्मन हो कॉलेज या स्कूल के टाइम से। देखिए मेरा आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है, तो दुश्मनी कैसे? यकीन नहीं होता है, वैसे हर इंसान का किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई झगड़ा तो हो ही जाता है। ऐसे तो कई छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। पिछले हफ्ते मेरा दूध वाले से झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो दूध में पानी मिलाता है। इसका ही मतलब थोड़ी है कि वो मेरी जान लेना चाहेगा। मिस्टर मोहित,
क्या 31 दिसंबर को यानी कि कल रात को किसी ने आपको सी ब्लू पैलेस में इनवाइट किया था न्यू ईयर पार्टी के लिए? आपको कैसे पता? उसका इनविटेशन कार्ड दिखाइए जरा। एक सर। अब इस पार्टी में नहीं गए थे ना? नहीं, एक्चुअली मेरे क्लोज फ्रेंड प्रशांत के घर पे न्यू ईयर की पार्टी थी, मेरा पहले से ही वहां जाने का प्लान था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम इस पार्टी में नहीं गए, वरना तुम्हारे साथ भी वही होता जो उन 7 लोगों के साथ हुआ है। क्या हुआ 7 लोगों के साथ? ठीक है, ऐसे इनविटेशन कार्ड और 7 लोगों को दिया गया जिनका खून हो गया है हाईवे नंबर 35 पर। What? हाईवे नंबर 35 पर खून, यानी कि कल अगर मैं वहां जाता तो मेरा भी खून हो जाता। जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि अशोक, अमोल, हीरेन और शौमिक को जानते हो क्या? मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुने हैं। कौन है ये सब? ये वो लोग हैं जिनका बड़ी बेरहमी से खून कर दिया गया। 2011 की आखिरी रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। आप लोग मेरे साथ रहिए। देखिए, ये आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये आदमी है कौन जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ? देखिए, मैं वाकई में नहीं जानता हूँ ये आदमी कौन है, लेकिन आज सुबह मेरे घर के लेटर बॉक्स में मुझे चिट्ठी मिली है। एक सही ये रहा सर। मैंने तुम्हें कल रात इतने प्यार से पार्टी में बुलाया, मगर मेरा निमंत्रण ठुकरा कर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। दोस्तों का दिल नहीं तोड़ा जाता मोहित, इसलिए आज रात 8 बजे मैं फिर से तुम्हारा इंतजार करूंगा सनसेट रेस्टोरेंट में, आना जरूर। अच्छा, वाकई आप लोगों ने आके मुझे इस आदमी की सच्चाई बता दी, वरना मैं इस आदमी से मिलने की सोच ही रहा था। जब तक ये खूनी पकड़ा नहीं जाता, आप अपना ख्याल रखिएगा, घर में ही रहे तो बेहतर है आपके लिए। ठीक है, रुक नहीं सर। लगता आगे रास्ता बंद कर दिया किसी ने। सर जरूर उस खूनी ने किया होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.